जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एनिमल पॉइंट पीक ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों खैर, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक आप सब लोगों ने जो है वो थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा, फैमिली इश्यूज़ और कैटल फार्मिंग। मींस कि ये मेरे एक ज़ाती तो एक अपने साथ है, मतलब कि ये मैं एक बाकी लोगों के लिए एक ओवरऑल नहीं है कि भाई एक पर्सनल मींस के जो है बात है, तो वो मैंने सोचा कि भाई वो एक आप सब लोगों से शेयर करूँ। और ये है कि भाई ये वीडियो कंप्लीट देखें तो अगर मैं बात करूँ एक अपनी, तो बाय डिग्री मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो BS टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हुई हुई है, और इसके साथ साथ मेरा MS कंप्यूटर साइंस का पहला साल मेरा कंप्लीट हो चुका था। वो हो ही क्या कहानी और क्या पर्सपेक्टिव है घर वालों का इस काम को लेकर, मैंने सोचा कि भाई क्यों ना ये मैं एक वीडियो बनाऊं और एक आप सब जो लोगों से ये कि तो वो ज़रा मशवरा भी करूं कि अब जो है वो इसको मज़ीद कैसे लेकर चलना चाहिए मुझे। अब कहानी क्या है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे घर में जो है हमारी जो फैमिली है वो सारी एजुकेटेड है और पढ़ी लिखा एक वो है बैकग्राउंड है। मींस के एक आप सब जो लोगों को पता है कि ख़ानदान में पढ़ाई को लेकर जो एक कंपटीशन होता है वो एक हमारे एक उसमें पाया जाता है। अब उन सब चीज़ों को लेकर देखते हुए कि भाई जो है हाँ भाई बैचलर्स भी हो गया है और मास्टर्स परस्यू करो, और मेरा फिर वो था कि बाहर था जर्मनी के लिए मैंने अप्लाई किया था, ये मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैंने फार्मिंग वाले काम से पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो यूँ हुआ कि भाई जो मैंने पढ़ा था कोर्सेज पढ़े थे और मैंने जो सब्जेक्ट जो मैंने जो चूज़ किए थे वो एक आपस में रिलेट नहीं कर रहे थे, तो ये है कि वो फिर मेरा जर्मनी में नहीं हुआ। तो एट दी एंड वो फिर मैंने इकरा मेन कैंपस से जो है वो फिर मैंने अपना जो है वो मास्टर्स का जो है वो पहला साल कंप्लीट किया। अच्छा, मैंने मास्टर्स का पहला साल कंप्लीट किया तो वो मेरा फार्मिंग का जो एक जो मींस कि जो मैंने जो स्टार्टिंग में कि जो लॉसेज वगैरह किए थे उसके बाद एकदम मेरा काम स्टेबल हो गया। मैंने कहा भाई या तो ये है कि भाई मैं यूनिवर्सिटी का जो है वो 50-60 हज़ार रुपये का ये है कि सेमेस्टर का नुकसान करूँ, वरना अपना जो है दूसरा ये कि फार्म का जो है वो लाखों रुपये का जो है जो एक जो काम है उसको एक जो बिज़नेस है उसका ये मैं लॉस करना शुरू करूँ। तो मैंने ये फैसला किया कि भाई पढ़ाई तो खैर होती रहेगी, काम अब एक बार चल गया है तो एक इसको लेके चलना है। अब कहानी कहाँ से बिगड़ी ना, मींस की कहानी वो यूँ बिगड़ी कि भाई मैं जॉब करते हुए पहले तो खैर मैं था इंटरनेट कंपनी में था, जॉब करता एज अ नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर। तो लेकिन ये था कि भाई जॉब से भाई ये था कि भाई हाँ भाई एक फैमिली का होता ना कि हाँ भाई हमारा बच्चा ये फ़लाँ जगह पे है फ़लाँ पोजिशन पर ये है वो है, तो वो एक चीज़ थी। मैं कभी भी फ्रॉम दी डे फर्स्ट टिल दिस डे मैं नौकरी से मुतमईन ही नहीं था। मींस के एक किसी के सुपरविजन में काम करना और उसकी बातें सुनना तो ये एक दिमाग नहीं था, और यही था कि चलो अब जो काम जब शुरू किया इसी से ही सीखा, इसी में नुकसान किया इसी में किया, तो मैंने कहा कि भाई इस काम के अलावा शायद अब मैं जो है वो मैं दूसरे काम की तरफ ही मैं मूव ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि ये शौक भी है और काम भी है, क्योंकि खाली पेट शौक नहीं होता। ये मैं एक आप सब लोगों को ज़रूर बताऊँ, क्योंकि शौक के चक्कर में भाई अगर आप एक अपनी फैमिली को अगर एक आप लोग जो है वो फाइनेंशली सपोर्ट नहीं कर सके तो फिर वो शौक मैं समझता हूँ कि भाई किसी काम का नहीं है। तो ऐट दैट टाइम जो है वो मेरा जो काम था वो स्टेबल हो गया था, और लेकिन फिर भी भाई घरवाले ने कहा कि नहीं भाई इस काम से निकलो। मैंने फिर ये कहा कि भाई चलो ठीक है भाई मैं आप लोगों की मानता हूँ, और मैं जो है वो फिर जॉब पर लग गया। और जहाँ पर याद होगा कि भाई मेरे वो थे वाले साहब के दोस्त हैं, उन्होंने अपनी कंपनी में ये कि मुझे अपॉइंट कर लिया, लेकिन स्टिल ये है कि वही दिमाग मेरा फार्म वाले काम है भाई कि भाई इसको लेके चलना है करना है। और क्योंकि ऑफिस के साथ साथ ये है कि वो मैं फार्म को कैसे लेके चलता वो एक आपको सबको ये है कि तो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे मेरा ऑफिस सुबह 9 बजे 9:30 बजे तक गाड़ी का आ जाना, और रात में कभी 9 बजे कभी 10 बजे कभी 11 बजे तक ऑफिस से वापसी। अब उसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह से ये कि वो बीच में मुझे ऑफिस वाले जो हैं वो वीडियो एडिट का मुझे मौका मिलता था, कुछ कॉलिंग वगैरह भी ये कि उठा लेता था, मतलब कि जिन लोगों के जो थे लिमिटेड अप्लाई के ऊपर जानवर थे तो उन सब जो हैं वो लोगों को मैं साथ साथ अपडेट भी करवाता था। ऑफिस से ही फार्म के ऊपर फ़ोन किया, हाँ भाई यार ये कर लिया वो कर लिया, चार पाँच फ़ोन किसी को क्रॉस चेक के लिए फार्म के ऊपर भेज दिया। फिर कभी रात के 12 बजे जी हाँ जी भी फार्म आ गया और आके लेट गया, और सुबह जो है वो ऑफिस के कपड़े बैग में रख के लेके आ गया, यहीं फार्म पे नहाया हुआ और वो यहीं से निकल गया फार्म पे। कोई इमरजेंसी हो जाए तो तब भी कहने में यही कहानी हुआ करती थी कि भाई जल्दी से आओ भाई फार्म आओ ऑफिस से, और बाद अगर ये है कि भाई जल्दी से भी पहुँचो घर जाओ, घर से फार्म से काम निपटा कर कभी रात के 2 बजे कभी 3 बजे और कभी ये कि सुबह वापसी हो। मैंने कहा यार ये थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, लेकिन तब भी ये कि मैं काफ़ी टाइम तक जो है वो 2-2.5 साल तक ये कि ये मैं लेके चलता रहा,
ऑल्दो कि वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल था क्योंकि लिमिटेड जानवर होने के साथ साथ वो सैलरी से जो है वो मींस के काम चल रहा था। अब ये है कि उस पर भी उन्होंने कहा कि चलो ठीक है जी, जॉब के साथ जो है वो मैनेज कर सकते हो तो कर लो भाई। लेकिन ये है कि वो एट दी एंड वो मैनेज नहीं होने लगा, उसमें नुकसान होने शुरू हो गया। नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि भाई फार्म के ऊपर जो है वो वनडे के जो बैग्स हैं वो कुछ चोरी होने शुरू हुए। मुझे खबर मिली, रिपोर्ट मिली, क्रॉस चेक किया। आप जो लोग कह रहे थे कि नौमान भाई आपके पास बंदा क्यों नहीं रखता, तो उसकी एक वजह ये थी कि अगर आपको याद हो कि फहद नाम का लड़का था मेरे पास, इतना मतलब कि भरोसा, इतना ट्रस्ट, मींस के वो मुझे मेरा बैग भी पहनाया है गंदों पे, मुझे दरवाजे तक छोड़ के भी आया और पीछे से कहानी वो ये वाली करता रहा। एट दी एंड पकड़ा गया। फिर वो जो है वो ज़ाहिर है कि भाई रिकवरी का तो क्या पॉसिबल नहीं था। वो खैर वो इन सब चीज़ों को लेकर फिर मैं डिप्रेशन में आ रहा हूँ कि यार मैंने इतना बड़ा मशाला से जो है वो पार्टनर के साथ मिलकर ये मैंने फार्म वार्म बनाया हुआ और एट दी एंड क्या मैं तो मैं काम नहीं कर पा रहा। मैं लोगों को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र से जो प्लाई के ऊपर जो मैं जानवर रेडी कर रहा हूँ उसके ऊपर शुक्र मालिक का कि भाई कभी किसी ने नहीं कहा कि यार नुमान भाई जानवर नहीं बन रहा, जानवर की ग्रोथ नहीं हो रही है, जानवर के ऊपर क्यों मसला ये वो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र से एक टाइम इसको दे दिया तो समझो कि इसके जो है दाव पेच काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, लेकिन काफ़ी हद तक ये कि समझ में आ चुके हैं। फैमिली का यही भाई यानी इतना पढ़ा लिखा कर फ़ायदा क्या, जब ये गवाले वाला काम करना था तो भाई गुस्से क्यों, बाड़े वाले काम में गुस्से हुए हो, हम किसी को क्या बोलेंगे भाई हमारा जो बच्चा है वो है बाड़े वाले काम में इसमें गुस्सा हुआ है। दे विन डोंट नो कि भाई मतलब कि ये मैं एक उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक मैंटेलिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक पाकिस्तानी लोगों की जो इस काम को जो लेकर बुरा समझा जाता है। भाई ये कैटल फार्म एक ऐसा इतना वसी काम है जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग वाला काम या मीट वाला काम, जिस तरह के चाय वाला काम, ये इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो मीट वाला काम भी, कुर्बानी वाला काम ऐसा है कि तो ये ना ख़त्म होने वाला काम है। मीन्स कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप परस्यू करके आप एक अपना एक अच्छा जो है वो मुस्तकबिल भी बना सकते हो और एक अच्छा जो है वो आप अपनी फैमिली को भी इस काम से सपोर्ट कर सकते हो। अब इस काम में भी ऐसा नहीं है कि भाई सारा काम ही गंदे, चलो माना कि भाई डेयरी वाले काम में आप जाओगे आपके जूते भी गंदे होंगे, गोबर वाले भी होंगे, मतलब कि अब ये इसके साथ साथ जो मैं बात एक एडिशन कर रहा हूँ कि यहाँ तक जब मैं सफूरा के ऊपर था तो जब मैं मंडी के, आपको याद होगा कि जब मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाता था इतना मतलब अच्छा, उस टाइम के ऊपर तो खैर वो मैं जॉब के ऊपर नहीं था, उस टाइम मैं जॉब हंटिंग के एक स्टेज के ऊपर था। तो जी कपड़े इतने गंदे बुरे हाल में क्योंकि मंडी वाले कपड़े हों, मल्ली मंडी आपको पता है कि अभी करके जाओ तो आपका जो होलिया है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ। तो भाई एक बार मना किया, दो बार वो फिर मेरे कपड़े जो हैं वो उठाकर वो घर से बाहर फेंकना शुरू, कभी शर्ट कपड़े, कभी पैंट, कभी शूज़। अब वो मैंने एक लिमिटेड अपने कपड़े बनाए थे कि भाई ये मैं मंडी के लिए मखसूस करूँगा। अब मतलब कि एक इस तरह ये कि मतलब ना प्रेशराइज ये मैं होता रहा और खानदान वाले भी जो हैं वो फिर एक इसको बोलकर नहीं जी छोड़ो छोड़ो। जब मेरा काम स्टेबल हुआ ना तो वही जो लोग हैं खानदान वाले वो कह रहे हैं कि यार बताओ यार हमने एक इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें बताओ कुछ हमसे। मैंने कहा नहीं यार अब नहीं। तो समझो कि मैं एक पूरे पीक पे जाकर ना मैं एकदम नीचे आया एक अपनी फैमिली को की बात को रखते हुए कि भाई कि चलो यार मैं इस काम को जो है वो एज अ साइड बिज़नेस रखूँगा, मेन नहीं बनाता और जॉब को ये मैं प्रायोरिटी देता हूँ। उसका नुकसान क्या हुआ कि भाई हमारा वाला काम एक ऐसा काम है कि जब तक ये वीडियो रेगुलर नहीं आएगी आपका काम नहीं चलना। ये एक तरह से अब मैं आपको बोल लूँ कि रेगुलर वीडियोज़ हैं, ये एक मैं आपको मंजन बोल लूँ या मैं एक आपको बोल लूँ कि भाई एक रेगुलर आप फार्म दिखाओगे तो फिर आपकी दुकान चलेगी, वरना आपकी दुकान नहीं चलेगी। क्योंकि हमारी जो दुकान है ये सारी या ये जो भी जो हैं वो कैटल फार्मर्स के जो व्लॉगिंग के थ्रू काम करते हैं उनका ये मेन एक वो है, एक तरह से मार्केट प्लेस है। इसको अगर आप एक छोड़ोगे तो एट दी एंड आप जितना भी अच्छा काम कर लो, अब आपके सामने की बात है माशाल्लाह से ये बछिया कैसी तैयार हुई हुई हैं। लेकिन क्या कि आई वॉज नॉट रेगुलर एट द टाइम कि यार मैं जो हूँ वो अपने जो है व्यूज़ को दिखा सकूँ कि यार ये मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। अब जाहिर है कि भाई हफ्ते इतवार की अगर ये मैं दो वीडियोस भी रिकॉर्ड करके जाऊँ, दो वीडियोस भी रिकॉर्ड करूँ तो व्यूअरशिप नहीं आती, कि लोग नहीं देखते, कि लोग नहीं इस पे पसंद करते। क्योंकि अब कंपटीशन ऐसा है कि भाई डेली की आपकी वीडियोज़ आएंगी तो आपका काम चलेगा, नहीं आप रेगुलर करोगे तो जो आप जो हो वो बहुत पीछे हो जाओगे और उसका जो एक अल्टीमेटली जो है वो खुमियाजा वो मैंने भुगता और मैंने लॉसेस किए। और 2013 में समझो कि शायद बहुत बड़े बड़े लॉसेस मुझे हुए इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वाला भी काम किया, उसमें ऐसा कोई ख़ास लॉस नहीं हुआ, लेकिन ये कि गैस वो मेरा जला, कॉन्ट्रैक्टर का मसला था, पंगे थे, मैं ऑफिस फंसा हुआ, फिर मैं बंदे के ऊपर सर पे नहीं, तो वो एग्री वाला काम ऐसा है कि उसके ऊपर तो आप एक बंदा एक वो सर के ऊपर हो। तो इस तरह करके मतलब कि
एक ऐसा मतलब कि आगे फिजा गया, मैंने कहा नहीं यार अब तो जो है वो नौकरी का जो है वो अब मैं करूँ खराबत करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि मेरी बहुत अच्छी नौकरी थी, अगर मैं ऑन एवरेज साल का अगर मैं एक एवरेज करूँ तो 6 डिजिट का जो है वो फिगर मेरी बन रही थी, और अब जो है वो मैं 5 डिजिट के अंदर अंदर आप समझ लें कि भाई इतना लिमिटेड माल के साथ मैं क्या बचा रहूँगा और मैं क्या वो कर रहूँगा। तो इसी वजह से फिर ये मैंने सोचा कि यार चलो यार जाहिर सी बात है कि अब मैं कमबैक कर रहा हूँ, कमबैक करने के साथ साथ जाहिर है कि अब एक लोगों का जो ट्रस्ट इशूज़ वो एक क्रिएट होते हैं और वो बिल्कुल है हक बजाने पर। उसकी वजह वो ये है कि भाई मैं हर बार कमिटमेंट करूँ हाँ जी अब वो वीडियो रेगुलर आएंगी, मीन्स कि कुछ एक ऐसे इशूज़ भी आएँ कि जो मैं यहाँ पर एक पर्सनल ऐसे हैं मेरे मेरी लाइफ के साथ एक ऐसे इशूज़ हुए कि जो मैं यहाँ पर मैं शेयर नहीं कर सकता और हुई मेरे साथ हुआ और एट दी एंड के झटका पड़ा बहुत ख़तरनाक किस्म का पड़ा। लेकिन ये है कि ये सब अल्लाह की तरफ से था और इसमें कोई मतलब कि ये एक मुझे वो नहीं है कि भाई जो एक अल्लाह की रज़ा और एक अल्लाह की मर्ज़ी। उसके बाद मैं दोबारा मूव ऑन हुआ, दोबारा मैंने वीडियो शुरू की, फिर दोबारा एक और बड़ा झटका पड़ा। तो ये कुछ ऐसी वो बातें हैं कि ये कुछ ऐसा सीन हुआ मेरे साथ, मतलब कि ये मैं अल्फाज में शायद क्या मैं बयान क्या ना कर सकूँ, कुछ एक ऐसी बातें हैं जो एक पर्सनली ही होती हैं बंदे की, हर बात वीडियो के ऊपर क्या नहीं शेयर की जाती। तो समझे कि अच्छा जिन कुछ लोगों को पता है, मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है और बाकी जो हैं वो एक आप सब लोगों को नहीं पता। तो देवर विद मी एट दैट टाइम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और ये है कि उन्होंने कहा नवान भी आप कम बैक कीजिए। और एट दी एंड मैंने कहा कि यार अब मैं इसी काम को ही लेके चलूँगा, चाहे बचे नहीं बचे अल्लाह मालिक है, मैं अपना काम करता हूँ, बाकी रोज़ी जो है वो एक अल्लाह देगा। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैंने कहा यार अब देखो अब ये मार्केट एक इतनी अब ये डाइल्यूट हो जाएगी, एक टाइम आएगा और मैंने जब स्टार्ट में जब आपको पता होगा कि जब नया नया जब एक शुरू किया था सब वो है फार्मर्स ने गिनती की लिमिटेड ऑनलाइन के ऊपर जो जो लोग काम कर रहे थे आप लोग बेहतर समझते होंगे किसने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद ये कि मैं साथ था, ठीक है मैंने भी शुरू किया हुआ था, लेकिन एट द टाइम अगर मैं वो काम कंटिन्यू करता, क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह से उस टाइम के ऊपर भी 45 जानवर खड़े हो गए थे, एट द नुमान ये भी कहा था कि नुमान भाई हम यहाँ पर आप खोलने रख दें हम आपके पास ही माल देंगे उस टाइम को लेकर, और एक अगर अब मैं अभी कंपेयर करूँ आई एम एट ज़ीरो, ठीक है ना। तो फिर मैंने सोचा मैंने कहा चलो अब मैं एक ऐसे पैकेजेस निकालता हूँ कि जो उस टाइम के ऊपर जो मैंने प्लाई के रेट्स थे उन प्लाई के रेट्स को लेकर चलता हूँ, मैं 20,000 रुपये से लेकर चलता हूँ और 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40 जो भी मतलब कि जैसे भी पलवानश आए इट्स अप टू देम, और बाकी ये है कि जो पैसे देंगे उसके हिसाब से जो है वो खिलाई पिलाई करवाई जाएगी। तो ये एक सारा सारा सिनेरियो था इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा मतलब एक फैमिली इशूज़ में मतलब कि भाई छोड़ो। मैंने कहा ना यार मैंने जो है अब स्टैंड ले लिया है तो अब जो है ये मैं ना मैं एक अपनी व्यूअरशिप ख़राब करूँगा मैं और ना मैं कुछ और। तो समझो कि ये वीडियोज़ जो आप लोग जो मेरी देख रहे हैं ना तकरीबन कि 1.5 महीना अप्रॉक्स या महीना अप्रॉक्स ये पहले की आ जाती, लेकिन मैंने कहा कि अब जब मैं काम करूँगा तो यार मैं प्रॉपर जो है वो मैं गैजेट्स लूँगा। फिर वो मैंने माइक उठाया, फिर मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया अच्छा वाला, मैंने कहा यार अब जब काम करें तो फिर तो एक अच्छा रिजल्ट दूँ मैं। तो उस उन सब चीज़ों को लेकर देखकर, लेकिन ज़ाहिर है कि अब यूट्यूब का एक ऐसा सीन है कि एल्गोरिथम होते हैं, अगर आपकी वीडियो रेगुलर डाल रहे हो अगर चैनल आपने छोड़ दिया तो वो आपको एकदम आपको बिठा देगा। लेट्स सी, मैं होप फॉर द बेस्ट कि मैं लगा हूँ कि इस चैनल के ऊपर ही अगर मेरा काम चल जाए तो मैं किसी चैनल के ऊपर ही इसी काम को लेकर चलूँ। आप सब लोगों से जो है वो ढेर सारी दुआओं की दरख्वास्त है और मुझे जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की जो है वो दुआओं के अलावा और कोई चीज़ नहीं चाहिए। हाँ अगर आप लोग पलाई के ऊपर अगर जानवर देना चाहते हैं तो अभी खैर मेरी बातचीत चल रही है, समझो कि एक भाई हैं एक उनको सिब्बी दिलवाने परचेस करवाने, एक भाई हैं उनको कि 2 चलोसानी दिलवाने हैं और एक भाई हैं वो रिगार्डिंग उनको रोलिंग वाला काम करना था 10 से 15 जानवरों का। तो एक अभी एक उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, होप फॉर द बेस्ट मतलब कि क्या होता है। तो इसी तरह ही मैं चाहता हूँ कि यार मेरे जो हैं ये दोनों खाते भर जाएँ, मैं बहुत ज़्यादा काम को शायद ज़्यादा ना करूँ, लिमिटेड इसी फार्म को लेकर चलूँ, अगर काम अच्छा होता है तो फिर मैं मूव ऑन करूँ कहीं और, लेकिन टारगेट ये है कि इस साल ये 60 के 60 कुंडे जो है वो मैंने भरने हैं। तो एक आप सब लोगों के जो है वो सपोर्ट की दुआओं की खास तौर पे और उसके साथ साथ ये कि जानवरों की सूरत में जो है वो सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जो है वो कुछ सीखने का मौका मिला होगा उन पेरेंट्स के लिए कि जो लोग इस काम को लेकर बुरा समझते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी ये बनाऊंगा मैं एक वीडियो जिसमें बनाऊंगा अभी इसमें काम में क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या वो एक वो हैं कि क्यों आप ये जो है इस काम की तरफ आ सकते हैं, उन सब लोगों के लिए भाइयों के लिए बच्चों के लिए जो एक आजकल बेरोज़गार हैं और कहते हैं कि नुमान भी कुछ पैसे पड़े हुए तो हम ये काम शुरू करें, तो आप लोग कर सकते हैं। तो
तो इंशाल्लाह जो मेरे लाइक होगा इंशाल्लाह वो ज़रूर वो एक आप सब लोगों को गाइड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया बात तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पॉट पर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।